अल्मोड़ा में एसएसपी प्रदीप कुमार राय ने सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम को लेकर मीटिंग की। इस दौरान एसएसपी ने सभी थाने में अपराधियों की समीक्षा की और थाना प्रभारियों को अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा चाक चौबंद को लेकर सभी थाना प्रभारियों को रात्रि पेट्रोलिंग बढ़ाने, यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने और नशे पर अंकुश लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों की लगातार चेकिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मीटिंग में एसएसपी ने राजस्व से रेगुलर पुलिस में शामिल होने जा रहे 221 गांवों के अधिग्रहण की कार्रवाई के संबंध में भी समीक्षा की। 231 गांवों का जो एक्सटेंशन हुआ है हमारे थानों का, उनके उसके अधिग्रहण की कार्रवाई और उसको उसके यहां पे बीट इत्यादि बांटने की कार्रवाई के लिए भी इनको निर्देशित किया गया है। और इनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो 2022 में जो अनुभव है उसको साथ में लेते हुए 2023 में और बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था, ह्यूमन ओरिएंटेड पुलिस और क्रिमिनल्स के लिए सख्त पुलिस, इसको स्थापित करने की हमने इनके बारे में कहा है। जैसे में जो वही दो तरह के प्लान रहेंगे, जो क्रिमिनल्स उनको जेल भेजा जाएगा और जो क्रिमिनल्स जिनके पास व्यावसायिक मात्रा की वो नशा मिला हुआ है उनके लिए हमने चिन्हित किया है और करीब 22 लोग चिन्हित हुए हैं।